हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव एंड टुडे वी आर गोना डू एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बट बिफोर दैट, लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड यस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन अस एट व्हाट्सएप। सो बेसिकली इन लास्ट क्लास वी हैड डन some questions of exercise 2.2, and today most probably we are gonna try to complete all the questions of exercise 2.2 so we can move further in our syllabus. So basically only 4 questions are left, which are 5, 6, 7, and 8. So without any time waste, let's start them. So our first question, aaj ka hamara pehla question aur is exercise ka 5th question ये है, that we have to solve all these equations A, B, C and D, okay? So basically हमको यहाँ पे find out करना है 1/2 of 24 and 46, यानी हर एक question के 2-2 parts हैं। So let's start with part A. We have to find 1/2 of first 24, सेकेंड 46। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से करना है। सो 1/2 ऑफ 24, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ हटेगा मल्टीप्लीकेशन लगेगा 24। अब 24 के नीचे कुछ नहीं है, सो सिंपली हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर इसके बाद 1 24 से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 1 से, बिकॉज न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू डिनोमिनेटर। सो 24/2। नाउ अब ये कटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सो 2 12 24, 2 1 2, और आंसर विल बी 12/1। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट सेज दैट 1/2 of 46, it means 1/2 of means multiplication 46, simply कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे एंड यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 2 1 से, सो आंसर विल बी 46/2। नाउ अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, सो आंसर विल बी 23/1, और यू कैन से इट इज 23, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 अगर लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हियर 24 के नीचे 1 हमने लगाया था या नहीं लगाया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे आंसर हमारे 12, जो आंसर आया 12/1, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आंसर हमारा जो रहेगा वो तब भी सेम ही रहेगा। ऑल राइट, सो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ बी पार्ट, वी हैव टू डू फास्ट 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट 18, सेकेंड पार्ट 27। नाउ 2/3 ऑफ 18, इट मीन्स ऑफ हटेगा मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे हम वहाँ पे। अब 18 के नीचे कुछ नहीं है सो 1 लगा देंगे, इससे 18 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो बस हमको डिनोमिनेटर मिल जाएगा, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। सो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। नाउ 18 2 जा 36 एंड 3 1 जा 3। नाउ अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो our answer will be 12/1, which can be written as 12. Same case here, 2/3 of 27, 2/3 multiply 27. Now 27 ke niche kuch bhi nahi, 1. We will multiply it by like this. 27 2 is 54. 3 1 is 3. Cut karenge. 3 1 is 3. 3 1 is 3 and 3
create the 24, our answer will be 18 upon 1, or you can say 18. Alright, note down this, pause this video and note all these questions, because I'm gonna erase this all part. So yes, now C part. 3 upon 4 of first part 16, second part 36. So first part 3 by 4 of 16. So 3 by 4 multiply 16. अब 16 के नीचे कुछ नहीं तो 1, numerator numerator, denominator to denominator, 16, 48, and 4 ones are 4. अब यहाँ पे कटेंगे ये, 4 ones are 4, 1 are 4, 4 2 are 8, so our answer will come 12 upon 1, or you can say 12, and in this 3 upon 4 of 36, here 3 upon 4 of commons multiplication 36. अब 36 के नीचे कुछ नहीं तो 1, numerator will be multiplied to numerator and denominator to denominator, it will become 36 multiplied by 3. So our answer will be, हम यहाँ पे multiplication करके देख लेते हैं, 6 3 जा 18, 3 जा 9 10, 108. So it will come 108 and 4 1 जा 4. अब यहाँ पे ये भी कट सकते हैं, so 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 7 जा 28. So our answer will come 27 upon 1, or you can say 27. Alright, so now D part. D part is 4 by 5 of first part 20, second part 35. Now 4 by 5 of 20, so 4 by 5 of हटाएंगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, 20, 20 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, नाउ इट विल बिकम 80 एंड इट विल बिकम 5. सो ये दोनों कट होंगे, 5 फाइव 5 फाइव 5 सिक्स 30, सो इट विल कम 16 अपॉन 1, और यू कैन से 16. नाउ हियर इन दिस पार्ट 4 बाय 5 ऑफ 35, हियर 4 बाय 5 ऑफ हटेगा मल्टीप्लीकेशन 35. अब 35 के नीचे कुछ नहीं तो 1, सो 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू 35 एंड 5 टू 1. हम यहाँ पे 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 फोर जे 20, 4 थ्री 12, 13 14, 140 एंड 5 वन जा 5. अब ये भी कट जाएंगे यहाँ पे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 एट जा 40, 28 अपॉन 1, इट विल बिकम 28. सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. Pause this video, note down all these equations, solutions, okay? We are gonna do next question of our exercise, that is multiply and express as a mixed fraction. It means, यहाँ पे हमको इन सभी को multiplication करना है and जो हमारा resultant answer आएगा, उसको mixed fraction में convert करना है. Alright, so let's start this. Now look. So we are gonna do or attempt these questions one by one. So starting with A part. So 3 multiply by, here you can see it is in mixed form, 5, 1 upon 5. So basically first we are gonna solve this part. Okay, hum is part ko solve karenge pehle. Dekho, 5 5 is 25 and 25 plus 1 26. ओके, सो 3, ये पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन पार्ट कर रहे हैं. ओके, सो 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, सो 26 अपॉन 5. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब हम यहां से
इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये देखिए, अब यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। सो देखो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 7, 78 आंसर आएगा मेरा, और नीचे 5। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन हमको यहाँ पे रुकने को नहीं कह रहा, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। सो 78 अपॉन 5 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कोई नहीं, हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके कर लेंगे। 78 5 5 5 5 2 8, ये 8 नीचे आ जाएगा, माइनस करेंगे। अब 5 5 जा 25 माइनस 3 0। अब देखो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, 15 साइड में आ जाएगा एंड ये 5 नीचे आ जाएगा। हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। सो यहाँ पे देखो 3 ऊपर आएगा, 15 साइड में एंड 5 नीचे, सिंपल। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सारे क्वेश्चन फटाफट विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बी पार्ट, 5 × 6 3/4, 5 4 6 जा 24 24 + 3 27 अपॉन 4 5 27 अपॉन 4, 5 × 27 1 × 4, सो इट विल बिकम 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 11 12 13 अपॉन 4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, विद 4 4 3 जा 12 माइनस 1 4 3 जा 12 माइनस 3 0, 3 विल गो हेयर, 33 विल कम हेयर, 4 विल कम हेयर, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू 3 33 बाय 4। ओके, नाउ सी पार्ट, 7 × 2/4, 2 upon 4, सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। 4 2 जा 8 + 1 9 9 upon 4, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू फ्रैक्शंस, 7 upon 1 9 upon 4, 7 9 जा 63 एंड 4 1 जा 4। नाउ 63 एंड 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 5 जा 20 माइनस 3 0, 3 विल कम अप हेयर, 15 विल गो साइड एंड 4 विल कम डाउन। सिंपली आई कैन राइट दिस 3 15 upon 4। सो बेसिकली हमने 3 पार्ट कर लिए, ए बी एंड सी। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आप वीडियो पॉज करिए एंड नोट डाउन करिए। ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब और यू कैन से क्लीन ऑल दिस कैनवस। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू डी पार्ट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 4 × 6 1/3, नाउ 4 6 3 जा 3 6 जा 18 18 + 1 19 19 upon 3, नाउ 19 upon 3, एंड हियर 19 विल बी मल्टीप्लाइड टू 4, और यू कैन से 4 विल बी मल्टीप्लाइड 19 एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू 3। सो 4 19 जा, और यू कैन से 19 4 जा 76 एंड 1 × 3 = 3। नाउ आई विल सिंपली कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म, 3 2 जा 6 माइनस
एंड देयर 3, 5 या 15, 6 में से 5 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, ये यहाँ कुछ इस तरीके से प्लेस चेंज हो जाएगी। आपको ये प्लेस चेंज करना दिमाग में बैठा लेना, ओके, ताकि आप आंख बंद करके भी इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ओके। ई पार्ट 3, 1 upon 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 4, 3 जा 12 प्लस 1 13 upon 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके। यहाँ 6 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, 13 will be multiplied to 6 एंड 4 will be multiplied to 1, सो मेरा आंसर क्या आएगा, 13 6 जा 78 एंड 4 1 जा 4। नाउ 78 4, 4 1 जा 4, 7 minus 4 is 3, 38, 4 9 जा 36 माइनस 2 0, 2 ऐसे। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 19 साइड में आ जाएगा एंड 4 नीचे आ जाएगा। नाउ एफ पार्ट 3, 2 upon 5 मल्टीप्लाइड टू 8, नाउ 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17 upon 5 into 8, 17 upon 5 into 8 upon 1, 17 will be multiplied to 8 and 5 will be multiplied to 1, so my answer will be 17 8 जा 136 and 5 1 जा 5, basically यहाँ पे अब मैं इसको 136, 5 5 2 जा 10 माइनस 36 एंड 5 7 जा 35 माइनस 6 में से 5 गया 0 एंड 3 में से 3 गया 1, सो ये 1 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 27 साइड में आ जाएगा एंड 5 नीचे आ जाएगा। सो यहाँ मैं देखो मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 27 साइड में 5 नीचे, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना था, मैंने आपको पूरी तरीके से खोल के दिखाया, पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाया, लाइक मिक्स फ्रैक्शन में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ लेट्स कम टू दी 7th क्वेश्चन ऑफ इट। नाउ 7th क्वेश्चन इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ओके, बस डिफरेंस है यहाँ पे कि अब हमको यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म दे रखी है, सो हमको यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म से पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। सो ए पार्ट 1 by 2 of फर्स्ट 2, 3 upon 4 सेकेंड 4, 2 upon 9। नाउ 2, 3 upon 4 को पहले हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 plus 3 is 11, सो 11 upon 4 एंड यहाँ फिर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद डिफरेंट कलर। 4 2 जा 8, 8 plus 3 is 11 upon 4, सेम हियर 9 4 जा 36, 36 plus 2 is 38 upon 9। नाउ 1 by 2 of 11 upon 4, देखो मेरे को इससे सॉल्व करना है, इससे नहीं करना, बिकॉज नॉर्मल फ्रैक्शन का नॉर्मल फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लीकेशन आ पाएगा। अब ऑफ हटेगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 1 will be multiplied to 11 एंड 2 will be multiplied to 4, बेसिकली इट विल बिकम 11 upon 8, ऑल राइट। नाउ इन सेकेंड केस, और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन,
और यहाँ पे सेकंड केस में 1 बाय 2 ऑफ 38 अपॉन 9, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 38 अपॉन 9, 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू 38 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू 9, सो 38 अपॉन 2 9 18, ये मेरा आंसर ये आएगा। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू यू, मैं ये काम आपको दे रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, बी पार्ट के लिए 5/8 ऑफ फर्स्ट 3 5/6 एंड सेकेंड 9 2/3, मैं इसको डिफरेंट कलर से करूंगा। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 जाए 18, 18 + 5 = 23, 23/6 एंड 3 9 जाए 27, 27 + 2 = 29 अपॉन 3। अब देखिए 5/8 ऑफ 23/6, सो ये क्या बन जाएगा, 5/8 मल्टीप्लाई 23/6। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विल बी 2 विद 23 एंड 8 मल्टीप्लाई होगा 6 से, सो यहाँ पे हमको थोड़ी सी और कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सो देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 का 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, भाई ऐसे आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अगर जिसको नहीं पता वो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख ले, अपने आप यही आंसर आएगा। एंड 8 6 जा 48, ये मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में निकाला है, अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बता रखा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, 5/8 ऑफ 29/3, सो बेसिकली 5/8 मल्टीप्लाई 29/3। अब देखिए 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 3 से, सो 5 9 जा 45, 45 का 5 यहाँ 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 4+, सो 14, 145, 8 3 जा 24, मेरा आंसर ये आएगा। अब आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो अगेन आई एम गोना टेल यू डैट मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रखा है, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 liters ऑफ वाटर, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक एंड सेकेंड पार्ट इज वट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक गए और उनकी मदर ने एक वाटर बॉटल दिया जिसके अंदर 5 liters पानी था, विद्या ने उसमें से 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिया और प्रताप ने बचा हुआ पानी कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में डैट विद्या ने टोटल कितना लीटर्स पानी कंज्यूम करा, ठीक है, यहाँ पे तो उस फ्रैक्शन बताया है कि विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम करा, बट यहाँ पे हमको उसका बताना है कि उसने कितना लीटर्स पानी कंज्यूम करा। सेकेंड पार्ट में बताना है कि टोटल हाउ मच फ्रैक्शन, टोटल क्वान्टिटी जितनी प्रताप ने ड्रिंक करी वो कितना फ्रैक्शन था, और वो भी हमको बताना है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लाइक हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, सो विद्या ड्रिंक
ये फर्स्ट पार्ट है. 2/5 ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर, इट मीन्स 2/5 ऑफ 5, इट मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा मैं, एंड ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, एंड 5 1 जा 5 कट होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 मेरा आंसर आया 2/1, दैट इज 2. अब इट मीन्स दैट देयरफॉर विद्या ड्रैंक 2 liters ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉटल. विद्या ने 2 liters ड्रैंक करा. अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके नाउ अब यहीं पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड पार्ट आ जाता है, दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप डैम. सो ये हमारा सेकेंड पार्ट है. सो जैसे हमको पता था दैट विद्या ड्रैंक 2 liters ऑफ वाटर, टोटल वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 liters. ठीक है, वाटर ड्रैंक बाय प्रताप इज इक्वल्स टू 5 - 2 = 3 liters. तो भाई बचा खुचा जो पानी था, भाई इतना ही पानी बचा, 3 liters, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रताप ने बचा हुआ सारा पानी पी लिया. अब ये टोटल कितना फ्रैक्शन है, टोटल कितना फ्रैक्शन है. सो इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, दैट टोटल पानी कितना था 5 liters, प्रताप ने कितना कंज्यूम करा 3. सो हम इसको कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज इक्वल्स टू 3/5. भाई यहां पे देखो 3/5 आया कैसे, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5. ओके और यहां पे प्रताप ने कितनी ड्रैंक करी 3. और सो यहां पे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दैट नीचे वाली क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी होती है एंड ऊपर वाली क्वांटिटी हमारी यूज्ड क्वांटिटी होती है, जो यूज करी है या कलर करी है, जो भी जैसा भी हम यूज करते हैं, बट डिनोमिनेटर जो होती है वो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है. अब यहां पे देखिए कि हमारी जो टोटल क्वांटिटी है वो पहले से ही 5 है. सो हमको कुछ भी चीज़ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास सिंपली आंसर हम वैसे ही आ जाएगा. अब देखिए 5 liters हमारा वाटर था, सो टोटल क्वांटिटी हमारी 5 है, और प्रताप ने उस 5 liter पानी में से कितना ड्रिंक करा 3 liters. सो बेसिकली हमारा फ्रैक्शन यही बना. ओके सो ये था हमारा आंसर. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाती है. इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन या फिर एक्सरसाइज 2.3 ही कंप्लीट करेंगे. अब अगर आप लोग अभी तक जुड़े रहे सो वीडियो को लाइक कर दो अभी ही, वीडियो को शेयर कर दो, और यस चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लो, और नहीं तो अपने दोस्तों को बोलो कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो. आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक. Till then, bye bye.